What is the acceleration of 3 kg mass when acceleration of 2 kg mass is 2 meter per second square as shown? यहाँ पे हमको 2 kg मास पे फोर्स दिखा रखा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 kg वाला मास स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्प्रिंग का दूसरा एंड एक 3 kg मास के साथ कनेक्टेड है और ये सरफेस जो है वो स्मूथ है। तो हमको क्वेश्चन इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अगर तो ये रस्सी होती तो इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये रस्सी नहीं है, ये तो स्प्रिंग है ना, तो इसका एक्सेलरेशन 2 नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 2 kg वाले मास का FBD बना लेते हैं। 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन स्प्रिंग में आएगी लेफ्ट साइड पे और इसका एक्सेलरेशन भी दिया है। तो टेंशन यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगी 10 माइनस, ये वाला फोर्स बड़ा है तो 10 माइनस टी नेट फोर्स बराबर मास जो कि 2 है इंटू एक्सेलरेशन वो भी 2 है। सॉल्व करने पे टेंशन आएगी 6, तो इधर भी टेंशन लगेगी 6 न्यूटन की और इधर भी सेम टेंशन आएगी 6 न्यूटन की। तो 3 kg वाले की FBD बनाते हैं। 3 kg वाले जो मास है, 3 kg वाला जो मास है उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, इधर टेंशन और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो 6 न्यूटन का फोर्स है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करने पर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 meter per second square. Thank you for watching.